साइकोलॉजी का रिसर्च कहता है कि हर इंसान को महीने में या 2 महीने में करीबन 4-5 स्ट्रेंजर से मिलना चाहिए, अजनबी लोगों से मिलना चाहिए। जब आप अजनबी लोगों से मिलते हैं तो ज़िंदगी को बड़ा करीब से जान पाते हैं। हाय, मेरा नाम जिया है। अजनबियों से कैसे आप अपनी ज़िंदगी को महसूस कर सकते हो, सीख सकते हो। कैसे कैसे लोग होते हैं और आप उस इमोशंस और उस बिहेवियर से समझ सकते हो कि शायद इस बंदे को इस वक्त इसकी ज़रूरत है। जैसे अगर कोई बंदा एक नॉर्मल सी बात में चिड़चिड़ा जाता है, गुस्से से बात करता है, रिएक्ट करता है, बहुत ज़्यादा चिल्लाता है, इसका मतलब शायद उसे प्यार की ज़रूरत है, उसे प्रेम की ज़रूरत है, उसे कोई शांति से सुनने वाला नहीं है, इसलिए वो अटेंशन चाह रहा है, इसलिए वो ज़ोर ज़ोर से बात कर रहा है, वो नॉर्मल चीज़ों में भी गुस्सा कर रहा है। शायद उसे कोई ऐसा मिला नहीं है जो उसे बड़ा प्यार से सहला के उसकी बात सुने या उसके मन की बात पढ़ ले। तो अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो नॉर्मल सी बात में गुस्सा कर देते हैं, तो उन्हें प्यार दीजिए, उनके साथ बैठिए, उन्हें सुनिए, उन्हें इस बात का एहसास दिलाइए कि हे, आई एम देयर फॉर यू, चल बात करते हैं, चल कॉफ़ी पीने चलते हैं, चल वॉक पे चलते हैं। दूसरा, पता है जब हम किसी प्रेयर मीट में जाते हैं, करीब करीब लोग काफ़ी रोते हैं, जाने का दुख होता है कि भगवान को प्यारे हो गए, पर कुछ एक दो लोग ऐसे होते हैं जो रोते नहीं हैं, इतना बड़ा गम रो ही नहीं रहे, क्योंकि ना वो अंदर से बड़े कमज़ोर हैं, उनको डर लगता है कि कहीं उनकी कमज़ोरी दुनिया के सामने ना आ जाए। ऐसे लोगों का दर्द फिर धीरे धीरे नासूर बन जाता है, वो अंदर से कठोर होते जाते हैं, और फिर उनका सारा ये रिएक्शन, ये नेचर में जो भी उनको अपने आप को छुपाने की या मैं कमज़ोर हुई नहीं बताने की जो एक अंदर की ज़िद होती है, वो उनके नेचर में आ जाती है, फिर वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं तो ऐसे नॉर्मली उनके साथ कभी कभी ऐसी चीज़ें बांटिए, फिल्म देखने लेके जाइए उनको, या आपके साथ भी अगर ऐसा कभी हो गया है कि आपको नॉर्मली रोना नहीं आता तो रोइए। रोने से सिर्फ दिल साफ नहीं होता, दिमाग भी बहुत हल्का हो जाता है यार। और किसी के जाने का गम अगर बड़ा करीब का है तो रोना इट्स वेरी गुड, वो ग्रीफ बहुत जल्दी भर जाता है आपका। और किसने कहा कि रोने से आप स्ट्रांग नहीं दिखोगे? रोने से बेटर तो कोई स्ट्रांग इमोशन ही नहीं है यार। तीसरा, हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो छोटी सी बात को भी जोर जोर से हंसते हैं, एक फालतू बात पे भी इतना जोर जोर से हंसते हैं कि हमें लगता है इसको क्या हो गया, ऐसी तो कोई बात थी नहीं, इतना जोर जोर से हंस रहा है। और जब भी आपके ग्रुप में या ऑफिस में या फिर पर्सनल लाइफ में या फ्रेंड्स में, सोसाइटी में ऐसा कोई हो जो ऐसी नॉर्मल सी बात को भी जोर जोर से हंस के ले रहा हो, इट मीन्स वो इंसान अंदर से अकेला है, वो थोड़ा अटेंशन चाहता है, वो चाहता है कि वो इस डिस्कशन का हिस्सा है, वो अपनी प्रेजेंस को महसूस कराना चाहता है, वो चाहता है कि लोग, वो है, उसका एग्जिस्टेंस है, उसे फील करे, वो इस डिस्कशन, इस कॉन्वर्सेशन में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहा है। और ऐसे लोग सचमुच बहुत अकेले होते हैं, फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि वो नेचुरल इमोशंस के साथ रिएक्ट नहीं करते, वो बड़े फेक हो जाते हैं, उनको सुसाइडल थॉट भी आते हैं, वो अपने आप को जैलप नहीं कर पाते सोसाइटी के नेचुरल इमोशंस के साथ। तो आपके आसपास अगर कोई ऐसा है सो प्लीज़ उनको हेल्प करें। ये बहुत सारे लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, हम सब के आसपास, घर में, फैमिली में, फ्रेंड्स में, रिलेशनशिप में, प्रोफेशनल लाइफ में, हमारे सराउंडिंग्स में कुछ लोग ऐसे होते हैं इतनी जल्दी खाते, मतलब 2-3 मिनट में उनका खाना ख़त्म। तो हमें सवाल होते हैं कि ये खा भी रहा है या कौन सी गाड़ी भाग रही है उसकी, ना वो स्वाद इंजॉय कर रहा है, ना वो कंपनी इंजॉय कर रहा है। ऐसे लोग बड़े टेंशन में होते हैं, वो खा भी रहे होते हैं फिर भी उनके दिमाग में 50 चीज़ें चल रही होती, वो प्रेजेंट में नहीं होते, वो उस मोमेंट में हो ही नहीं रहते, उनको पता ही नहीं कि वो बिरयानी खा रहे हैं या पालक पनीर खा रहे हैं, बस उनको खाना ख़त्म करना है। और फिर उनको ये एंजाइटी, एसिडिटी, डाइजेशन का इश्यू, कॉन्स्टिपेशन का इश्यू, ये सब चीज़ें यहाँ से शुरू होती है, फिर पेट तक जाती है। ये जो खाना आपकी थाली में है, ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स वेल्थ, इट्स प्रोस्पैरिटी, इट्स ब्लेसिंग। उसके साथ हम ये नाइंसाफी कैसे कर सकते हैं? जस्ट इमेजिन। टेंशन के साथ कोई भी निवाला मत लो, फूड में भी एनर्जीज होती हैं। लड़कियों को ऐसे लड़के बड़े अच्छे लगते हैं जो कोई इमोशनल सीन देख के रो पड़ते हैं, हाउ क्यूट, ऐसे भी मैंने तो सुना है। हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो छोटी छोटी बातों पर रो पड़ते हैं। कजिन की शादी हो रही है, वो विदा हो रही है,
पर लड़के का बेस्ट फ्रेंड रो रहा है। ऐसे लोग होते हैं जो छोटी छोटी बातों पे रो पड़ते हैं। ऐसे लोग दिल के बड़े सच्चे होते हैं, कहते हैं भगवान नो मानस छे, और ये किसी भी चीज़ में बड़े इमोशनल हो जाते हैं। ऐसे लोगों का लोग बहुत फ़ायदा उठाते हैं, उनको टेकन फॉर ग्रांटेड भी लेते हैं। सो हमारे आसपास आए दिन अनगिनत लोग होते हैं। लोगों से भरी हुई इस भीड़ में हम भी तो एक लोग ही हैं, हमारे भी इमोशंस दूसरों के जैसे ही हैं, थोड़े मिलते जुलते। लेकिन जब हम अलग अलग लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो किसी को काम लगे, या फिर ऐसा कोई आपकी लाइफ में, आपके सराउंडिंग में, फ्रेंड्स में है जिनको आप ये शेयर करना चाहते हो। इस वीडियो का यही मैसेज है, किसी भी इंसान को पहले से जज मत कीजिए, पहले से उनके बारे में धारणाएं मत बांधिए। हर एक की कहानी अलग होती है, हर एक की डार्क साइड होती है, हर एक की ज़िंदगी का किस्सा होता है, हर एक की कोई स्टोरी होती है जिसकी वजह से वो इंसान ऐसा बन जाता है। सो पहले लोगों को समझिए, उन्हें सुनिए, उन्हें जानिए, फिर उनके बारे में कोई भी अंदाज़ा लगाइए। मेरा नाम जिया है एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ख्याल वाली खिड़की।